की निस्बत मुरीद से पूछो, इको कम कर दीजिए। आप तो पुराने आदमी हैं कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मदाहे मरने में कितना शहीद से पूछो, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। और केसर पर वालो एक शेर पढ़ता हूँ इसी जमीन के ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पावरफुल नबी के पावरफुल नवासे करबला में शहीद कैसे हो। तो हजरते अल्लामा सिद्दीक रजा साहब की तकरीर का खुलासा इन चार मिसरों के जरिए कि सवाल ये नहीं नेजे पे सर गया कैसे। कभी कभी आहिस्ता से शेर पढ़े जाते हैं तो आप आहिस्ता से ही सुभान अल्लाह कह दिया करें। हालांकि कोई भी शेर आहिस्ता से पढ़ा जाए तो उसका वजन कम नहीं होता। शेर तो शेर होता है केसर प्रवालो, चाहे वो जंगल का ले लीजिए या फिर शायरी का ले लीजिए। शेर को शेर बनकर के सुना जाता तो ज्यादा अच्छा लगता है। सवाल ये नहीं नेजे पे सर गया कैसे, देखिए सवाल ये नहीं नेजे पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत को कर गया कैसे। समझे नहीं, समझे नहीं आप, वरना तड़प जाते आप। कि सवाल ये नहीं नेजे पे सर गया कैसे। चौथा मिसरा वही समझेगा जिसने तारीख करबला पढ़ी होगी और सुनी होगी। कि सवाल ये नहीं नेजे पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत को कर गया कैसे। तमाम यजीदी कहने लगे सबके सब ताज्जुब से कि हुर सिपाही इधर था उधर गया कैसे, कि हुर सिपाही इधर था उधर गया कैसे, कि हुर सिपाही इधर था उधर गया कैसे। अब शेर सुन ले के हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चराग दिल में 72 जला के चलते हैं, वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते मियां जो नारे हैदर लगा के चलते हैं, वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते मियां जो नारे। माशाल्लाह अभी गिर जाते आप, चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक मोहब्बत है, गिर भी जाते तो उसका भी सवाब आपको मिलता। और वैसे मैं आपको बताऊं इस बारिश को मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। मैं जब जब केसरपुर में आता हूं तो मेरे साथ बारिश भी आती है। मैं तो डर रहा था, अल्लामा सिद्दीक साहब से कह रहा था कहीं लोग ये ना कह दें यार अजीब मौलाना आता है, जब भी आता है तभी बारिश होती है। पिछली साल था तब भी बारिश, इस साल था तब भी बारिश। अब बताइए कई दो चार लोग तो बच गए इनाम देने के लिए। टेंशन ना ले, इसका भी रास्ता एक निकला है, जिसको भी जितना पैसा देना वो एक जगह इकट्ठा कर ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिसके भी नाम से जहाँ पे इकट्ठा करेंगे बाद में इकट्ठा उससे मुसाफा करेंगे, टेंशन ही खत्म है। और आ जाएंगे तो ये है थोड़ा दिल भी लगेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आने जाने से मोहब्बत बढ़ती है। नहीं जुबान से ना बोलो तो खोपड़ी ला के बोल दो, हाजरत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बढ़ती है। माशाल्लाह इजाजत है शेर पढ़ा जाए। माशाल्लाह देखें आका हुसैन के गुलाम आ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग घरों से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से निकल निकल के आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक इन सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ इजाजत है। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चराग दिल में 72 जला के चलते हैं, वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते मियां जो नारे हैदर लगा के चलते हैं, और हमारे खून में शामिल है सदका अस्कर का, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर का, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। ये कह रहे थे शब्बीर नो के नेजा से, जो जीतते हैं वही सर उठा के चलते हैं, जो जीतते हैं वही सर उठा के चलते हैं। ये कह रहे थे शब्बीर नो के नेजा से, जो जीतते हैं वही सर उठा के चलते हैं। ज्यादा लंबी निजामत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। मैंने सुना है कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो मैं उतनी ही दवा दूंगा जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज्यादा दवा देने की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है तुम्हें कब कितनी दवा की जरूरत है, कौन से टेबलेट की जरूरत है, कौन से इंजेक्शन की जरूरत है, वो सब मेरे पास मौजूद है। नाजिम होता है ड्राइवर, जब वो ठीक चलता है तो यात्री भी सफर आसानी के साथ करते हैं, और ड्राइवर अगर डगमगाया तो यात्री भी डगमगाने लगते हैं। तो लिहाजा मैं एक शेर पढ़ता हूँ, और ऐसा शेर के मुझे भूल सकते हैं आने वाले शेर को नहीं, फिर बदले बदरे आलम फरियादी आपकी समातों के हवाले।
नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। अरे सुभान अल्लाह कहो यार, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते मियां, ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले, मैं उस अजीम लहजे की बारगाह में बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद शाहकारे तरन्नुम, पैकरे तरन्नुम, शारे अहले सुन्नत, गुलामे समदानी, आशिके महबूबे सुभानी, भाई बदरे आलम फरियादी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, आइए उनका इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर। इसलिए तो धीरे धीरे नारे के जवाब तो नहीं दे रहे कि ये बार बार आपकी बस्ती में जलसा करने आते हैं। अगर ये मोहब्बत की बात है, जब ये आपसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत की तो बात है, इतनी बारिश में भी वो आपके बस्ती में सिर्फ मोटरसाइकिल से आए, ये बड़ी मोहब्बत की बात है कि नहीं। अब जरा हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने जिंदा शहमदार, फैजाने सरकार ताजुशरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, केसरपुर का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।